राजस्व खुफिया निदेशालय ने दक्षिण मुंबई के डोंगरी इलाके से 135 किलो सोना बरामद किया है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीआरआई के मुताबिक ये अब तक का सबसे ज्यादा सोने की बरामदगी है। आपको बता दें कि डीआरआई ने एक खुफिया सूचना के आधार कार्रवाई करते हुए हाल ही में मुंबई के डोंगरी इलाके में 2 वाहनों में छिपा कर रखे गए 75 किलोग्राम तस्करी के सोने को जब्त कर लिया और इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 15 लाख रुपए के वादे से उन्हें गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना का विचार मिला। राहुल ने कहा कि देश के गरीब लोगों के लिए कांग्रेस का चुनावी वादा न्याय ऐतिहासिक है। उन्होंने दावा किया कि जब से इस योजना की घोषणा हुई है प्रधानमंत्री हिल गए हैं। इस योजना के तहत देश के 20% गरीबों के बैंक खाते में हर साल 72,000 रुपए जमा कराए जाएंगे। कुछ उद्योगपतियों की मदद करने के लिए मोदी की आलोचना करते हुए राहुल ने कहा कि अमीरों की सुरक्षा करते हैं जबकि कर्ज से लदे किसानों की मदद से बच रहे हैं।